नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश से आने वाले सभी निवेशकों, उद्योगपतियों, इन्वेस्टर्स का उत्तर प्रदेश की धरती और अपने देश में स्वागत है। अतिथियों के स्वागत के लिए शहरों को सजाने, सवारने और सुंदर बनाने का बेहतरीन कार्य किया गया है। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से भी उन्हें परिचित कराया जाएगा, जिससे वे अपने साथ बेहतरीन यादें ले जाएं। प्रदेश में निवेश से यूपी की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना है वो अब पूरा हो सकेगा। इस निवेश समिट से हमारा देश और प्रदेश इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश जिन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बनी हैं और इसके लिए MOU हुए हैं या फिर इसके लिए कमिटमेंट आए हैं, इससे प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास होगा।